इस गिवेन क्वेश्चन में भी हम एलएचएस से आरएचएस की तरफ अप्रोच करेंगे. एलएचएस हमारा लिखा हुआ है, सो ये हमारा शेयर हो जाएगा. साइन ए हमारा 1 अपॉन साइन ए प्लस टेन ए अपॉन साइन ए हो जाएगा प्लस 1 अपॉन कॉस ए प्लस कॉट ए अपॉन साइन ए. सो 1 अपॉन साइन ए प्लस इसको हम लिख सकते हैं टेन ए इंटू 1 अपॉन साइन ए प्लस 1 अपॉन कॉस ए प्लस कॉट ए इंटू 1 अपॉन साइन ए. अब ये हमारा 1 अपॉन साइन ए प्लस टेन ए को लिख सकते हैं साइन ए अपॉन कॉस ए इंटू 1 अपॉन साइन ए प्लस 1 अपॉन कॉस ए प्लस कॉट ए को लिख सकते हैं कॉस ए अपॉन साइन ए. सर यहां पर कॉस ए की जगह फिर से कॉस ए आएगा लास्ट स्टेप में. सॉरी, यहां पर कॉट ए अपॉन कॉस ए है. तो ये 1 अपॉन कॉस ए है. सो साइन ए से साइन ए वैनिश आउट हो जाएगा और कॉस ए से कॉस ए हमारा वैनिश आउट हो जाएगा. सो 1 अपॉन साइन ए प्लस 1 अपॉन साइन ए हमारा एक तरफ हो जाएगा प्लस 1 अपॉन कॉस ए प्लस 1 अपॉन कॉस ए ये हमारा एक तरफ हो जाएगा. सो 2 अपॉन साइन ए प्लस 2 अपॉन कॉस ए कॉमन ले लेंगे 1 अपॉन साइन ए प्लस 1 अपॉन कॉस ए 2 इंटू 1 अपॉन साइन ए को लिखेंगे कॉस ए के प्लस 1 अपॉन कॉस ए को लिखेंगे सेक ए जो कि हमारा आरएचएस के इक्वल है. यही हमको प्रूफ करना है. हमने सेक की पावर 4 ए माइनस टेन की पावर 4 ए इज इक्वल टू 1 प्लस 2 टेन स्क्वायर ए. तो ये हमको प्रूफ करना है. सो हम एलएचएस टू आरएचएस की ही तरफ अप्रोच करेंगे. सो देखिए ये एलएचएस हमारा दिया हुआ है सेक की पावर 4 ए माइनस टेन की पावर 4 ए. इसे हम ये भी लिख सकते हैं सेक स्क्वायर ए इस पूरे का होल स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर ए इस पूरे का होल स्क्वायर. और हम लोग जानते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का एक्सपेंशन होता है ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी. सो अब हम इसको क्या लिख सकते हैं सेक स्क्वायर ए उस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग हम लिख सकते हैं सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए इंटू सेक स्क्वायर ए प्लस टेन स्क्वायर ए. और बच्चों ये एक आइडेंटिटी होती है सेक स्क्वायर ए इज इक्वल टू होता है 1 प्लस टेन स्क्वायर ए. तो उसके अकॉर्डिंग सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए हमारा 1 हो जाएगा और 1 के साथ प्रोडक्ट में कुछ भी हो तो वो उस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा. सेक स्क्वायर ए प्लस टेन स्क्वायर ए. अब सेक स्क्वायर ए को हम टेन स्क्वायर ए के फॉर्म में लिखेंगे तो 1 प्लस टेन स्क्वायर ए प्लस टेन स्क्वायर ए एंड ये हमारा हो जाएगा 1 प्लस 2 टेन स्क्वायर ए जो कि हमारा आरएचएस के इक्वल है और यही हमको प्रूव करना था.